अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो हो जाइए तैयार। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हम आपको ऋषिकेश के पास ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शानदार के साथ साथ खूबसूरत भी हैं। ये हिल स्टेशन आपके मन को मनमोहक बना देंगी। आइए तो जानते हैं कौन कौन सी हैं ये जगह। लैंसडाउन। ऋषिकेश से लैंसडाउन की दूरी 124 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप बाइक स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, साथ ही बस टैक्सी से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। लैंसडाउन ऋषिकेश के पास सबसे शांत हिल स्टेशनों में से एक है। पहले लोग लैंसडाउन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अब यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। ये जगह शरीर मन और आत्मा को शांत करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये हिल स्टेशन खूबसूरत ओक और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। घूमने के लिए सेंट मैरी चर्च, भुला झील, ताड़केश्वर महादेव मंदिर, स्नो व्यू पॉइंट यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आप बाइक और स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, साथ ही आप बस से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा टाउन है, लेकिन यहाँ का मौसम हमेशा मनमोहक रहता है। यहाँ से ऋषिकेश का दृश्य बहुत ही शानदार दिखता है, साथ ही यहाँ से कुछ दूरी पर सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी का मंदिर मौजूद है। नरेंद्र नगर में ठहरने के लिए एक 5 सितारा होटल भी मौजूद है। सनसेट पॉइंट कुई। ये जगह एक खूबसूरत नजारे पेश करती है। अगर आप शहर के शोर से परेशान हो चुके हैं तो एक बार इस वीकेंड ऋषिकेश से सनसेट पॉइंट कुई जरूर जाएं। इस हिल स्टेशन के बारे में लोग कम ही जानते हैं, तो शांति वाली जगह पर घूमने के लिए ये जगह बेस्ट है। यहाँ से ऋषिकेश का नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर आप फोटोशूट के शौकीन हैं तो आपके लिए ये हिल स्टेशन बेहतरीन साबित हो सकता है। यहाँ फोटोशूट करने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। ये जगह मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवपुरी। अगर आप ऋषिकेश आए और आपने राफ्टिंग नहीं की है तो आपका टूर अधूरा हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऋषिकेश और शिवपुरी को एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए ही जाना जाता है। शिवपुरी ऋषिकेश से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अपनी कई एक्टिविटीज के लिए काफी फेमस है। यहाँ आप लग्जरी कैंपिंग से लेकर बजट फ्रेंडली कैंपिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग, बॉन्फायर, बंजी जंपिंग, कयाकिंग, जिम्पलाइन, साइकिलिंग जैसी मजेदार गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके लिए शिवपुरी सबसे ज्यादा फेमस है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इन छुट्टियों में दोस्तों के साथ ऋषिकेश के शिवपुरी में घूमने का बना लीजिए प्लान। नीर वाटरफॉल ऋषिकेश का सबसे बड़ा झरना है, इसे नीरगढ़ वाटरफॉल भी कहा जाता है। यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे से 2 किलोमीटर ऊपर ये नीर झरना स्थित है। यहाँ जाने के लिए मोटर मार्ग बना हुआ है। ये झरना ऋषिकेश के सबसे बड़े झरने के रूप में जाना जाता है। यहाँ पहुँचते ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। रोज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। जंगलों के बीच स्थित ये झरना जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से पर्यटकों को आकर्षित करता है, तो वहीं इस झरने का ठंडा पानी और नहाने के लिए पर्याप्त स्थान होने के कारण ये नीर वाटरफॉल कई लोगों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। प्री वेडिंग शूट के लिए भी यहाँ दूर दूर से कपल पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।